कोरोना महामारी के बीच चरखी दादरी जिले में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ही एंट्री दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। समारोह की फाइनल रिहर्सल के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश यादव ध्वजारोहण करेंगे। आपने देखा गणतंत्र दिवस की आज फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी जोश से हुई है और हर मिनट का मिनट टू मिनट प्रोग्राम फाइनलाइज किया गया है। और सभी से आग्रह करूंगा कि सब दादरीवासी गणतंत्र दिवस बहुत उल्लास से मनाएं और सब अपने कोरोना की SOP का पालन करें। जैसे आपने देखा होगा हमने किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में 10 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं रखे हैं, तो कोशिश की है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो। दर्शक जैसे मैंने कहा आपको FM रेडियो का इंतजाम करेंगे, दर्शक जो लाइव टेलीकास्ट इसका देख सकें तो यहाँ ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है, वहीं से भी देख सकते हैं। जो आना चाहे इज़ वेलकम टू कम। हमने श्योर किया है पूरी सिक्योरिटी की पूरी इंतजाम रहेगा और स्टेज के पास किसी को फटकने नहीं दिया जाएगा। जो ओनली इन्वाइटीज़ हैं उन्हीं को स्टेज के पास आने दिया जाएगा और बाकी दर्शक बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। कोरोना वैक्सीनेशन दादरी में लगभग 99.9 हो चुका है, 100% लगभग अचीव कर लिया है हमने। तो ये अंडरस्टूड है कि कोरोना वैक्सीनेशन सबका है, पर फिर भी हम गेट पे सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो भी है अपना साथ लाएं, मोबाइल में लाएं, फिजिकल तौर पे लाएं, जैसे भी लाएं और चेक करवाएंगे कोरोना वैक्सीन। श्री ओम प्रकाश यादव हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे, आप सबको पता ही है। ठीक है, सारे सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद है। ठीक है, और 26 जनवरी के लिए जितने भी हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं सबकी आज भी रिहर्सल करी है। ठीक है, और सब इंचार्जेस को ब्रीफ कर लिया है, तो पूरी खुशी के साथ मनाई जाएगी 26 जनवरी। तो भीड़ भाड़ की व्यवस्था की सबकी ड्यूटी लगाई गई है उसके लिए, ताकि भीड़ होती भी है तो उसको मतलब कंफर्टेबली उसको अरेंज किया जाए। ठीक है, और कहीं भीड़ भाड़ का ज़्यादा ना हो और ट्रैफिक की व्यवस्था भी ठीक रहे। सर वो लगातार जारी है, जो SOP है हमारी हर साल वैसे ही हम इस साल भी वैसे ही कर रहे हैं।